दोस्तों अब तक दो सैंपल्स आप देख चुके हैं एक में एज अ ग्राफिक डिजाइनर सिनेरियो रखा दूसरे वाले सैंपल में एज अ वेब डेवलपर सिनेरियो रखा अब इस वाले सैंपल में क्रिएटिव राइटर सो ऑल क्रिएटिव दो इफ यू वॉन्ट टू एक्सेल एज ए फ्री लैंसर परिस इज समथिंग यू मे वॉन्ट टू इंटरेस्टिंगली यू नो कंसनट्रेट करें इस पर देखें गौर करें कॉपी पेश ना करें सिर्फ समझें और इस सांचे को उठा के रेप्लिकेट कर दें क्योंकि मैं अब आपको जो बात बताने लगा हूँ कुछ पैराग्राफ्स ऊपर नीचे भी हो सकते हैं ज़रूरी नहीं कि जो सीक्वेंस बताया गया है जो पैटर्न बताया गया आप उसी पैटर्न को फॉलो करो भैया आप कुछ पैटर्न ऊपर नीचे भी कर सकते हैं ना हसबका अपने ज़रूरत के मुताबिक तो ये स्क्रीन पर देखते हैं आइए स्टार्ट ऑफकोर्स सैल्यूटेशन डियर क्लाइंट नीडलेस टू से क्लाइंट विल बी रिप्लेस विद दी एक्चुअल नेम और अगर नहीं भी मिलता तो हेलो लिख दीजिएगा ग्रीटिंग्स लिख लीजिएगा ज़रूरी नहीं है कि डियर क्लाइंट ही लिखा जाए या डियर नाम ही लिखा जाए मैंने एक जेनेरिक मिसाल दी है आप पे डिपेंडेंट है कि आप किस तरह पिच करना चाहते हैं अपने बिड रिस्पॉन्स को यू कुड यूज एनी वर्ड यू वुड लाइक आप रखें हेलो ग्रीटिंग्स बस मॉर्निंग इवनिंग और आफ्टरनून और गुड नाइट ना कीजिएगा वो बहुत ह्यूमरस हो जाएगा और क्लाइंट भी हंसेगा आपका रिस्पॉन्स देख के बिसाइड्स क्लिकिंग ऑन द क्रॉस एंड मूविंग टू द नेक्स्ट बेड क्योंकि उसको पता है कि अगर आपको ये बेसिक चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ पे मॉर्निंग इवनिंग नहीं यूज़ करते तो वो आपका रिस्पॉन्स भी नहीं पड़ेगा uh, मैंने डायरेक्ट अप्रोच रखी है इस पर बट विद अ टच वो टच क्या है डिटेल से देखेंगे पहले पैराग्राफ में मैं बता रहा हूँ कि मैं क्रिएटिव कंटेंट राइटर हूं और मेरे पास एक साल का एक्सपीरियंस है और मैं क्या चार्ज करता हूं देखिए जब मैंने आपको अब भी स्टार्ट ऑफ वीडियो बोला है कि जरूरी नहीं कि आप पैरा की सीक्वेंस ऐसे ही रखें जैसे मैंने बताई है ट्राई कीजिएगा एंड इफ द रिस्पॉन्स यू नो इज लो इफ यू डू नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स तो आप इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं इनिशियली आप अपनी प्राइस पर आर बिट के स्टार्ट पे बता दीजिए लेकिन अगर आपको रिस्पांस नहीं आता आगे चल के डिफरेंट बिट्स पे एज अ कंटेंट राइटर तो खौती नजरात दरखास्त ये है कि इस प्राइस के एलिमेंट को नीचे ले जाइए बिट पे एज अ सरप्राइज़ रख लीजिए एज अ टच रख लीजिए बट कीप चेंजिंग योर बिट्स हमेशा जेनेरिक रिस्पॉन्स एक टैंपलेट को ले अगर आप चलते रहोगे और समझोगे कि इस पर रिस्पॉन्स आएगा एन मुमकिन है कि एक वक्त आएगा कि आपको ज़रूरत पेश आएगी ट्विस्ट देने की अपने रिस्पॉन्स पे उसको मॉडिफाई करने में सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर रिस्पॉन्स जो है वो दूसरे रिस्पॉन्स से मुख्तलफ हो क्योंकि हर बिड भी तो दूसरी बिड से मुख्तलिफ होती है सारी बिड्स एक जैसी तो नहीं होती है प्रोजेक्ट्स एक जैसे तो नहीं होते एक किसी प्रोजेक्ट में कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है और उससे अगले प्रोजेक्ट में कोई डिफरेंट पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है तो फिर क्यों एक रिस्पॉन्स रखा जाए हर प्रोजेक्ट को उसके हिसाब से रिस्पॉन्स देना बहुत ज़रूरी है अब मैंने बड़ी मज़ेदार बात की है यहाँ पे और अपने आप को सुपरमैन शो कर दिया है तीसरे पैराग्राफ में मैंने कहा अगर आपने मुझे सिलेक्ट किया ना तो मैं इनशाला आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा मीट करूँगा आपकी आ, जो है उम्मीदों पे पूरा उतरूँगा और आ, अपने आप को एज़ अ कॉम्पिटेंट क्रिएटिव राइटर और एक डेडिकेटेड रिसोर्स प्रूव करूँगा अब ये देखिए ये वर्ड्स मैंने क्यों इंतख किए हैं कि मैंने इन अलफा का चुनाव इसलिए किया है कि मैं अपने आप को बेस्ट ऑफ द बेस्ट शो करवाना चाहता हूँ प्रूव करवाना चाहता हूँ और मैं एम्प्लॉयर को बता रहा हूँ कि मुझे सिलेक्शन अवार्ड देने के बाद सिलेक्ट करने के बाद आपके पास एक ऐसा हीरा आ जाएगा कि आपको कभी मायूसी नहीं होगी यू विल नॉट रिपेंट द डिसीजन यानी कि आपको अपने फैसले पे अफसोस नहीं होगा अगर आपने मुझे प्रोजेक्ट अवार्ड किया अगर आप अपने बारे में बात नहीं करोगे कोई आपके बारे में बात नहीं करेगा एवरी नो एंड देन बिड में रिस्पॉन्स में प्लीज बात जरूर कीजिए अपने बारे में कि मैं बेस्ट ऑफ़ द बेस्ट हूँ डेडिकेटेड रिसोर्स हूँ आई एम ए क्रिएटिव राइटर अगले पैर में देखते हैं जी क्योंकि कॉन्टेंट राइटिंग एक ऐसी नीच है जिसपे एम्प्लॉयर जनरली दो तरीक़ों से आपको असेस करता है एक तरीका तो ये है कि वो आपको कहे कि भाई वीडियो पे आ जाओ बात कर लेते हैं और दूसरा तरीका ये है कि वो आपके सैंपल्स देख ले अब अगर सैंपल्स दिखाने के बाद भी बात ना बने तो ज़्यादा अच्छा तरीका तो ये है ना कि आप उसको विलिंगनेस शो करें कि आई एम विलिंग टू इन्वेस्ट टूवर्ड्स अ गोल विच इज़ टू विन योर प्रोजेक्ट आप मुझे अवॉर्ड कीजिए लेकिन अगर आप नहीं समझते कि अवार्ड के लिए अभी आप रेडी नहीं हैं अभी आप फैसला नहीं ले सकते या आप ये नहीं समझते कि आई एम दी हंड्रेड परसेंट राइट चॉइस फॉर योर प्रोजेक्ट आप मुझे टेस्ट आउट कीजिए भाई मैं विलिंग ने शो कर रहा हूँ मैं विलिंग हूँ मैं अम्मादा हूँ इस बात पर कि मैं आपके लिए दो पैराग्राफ एज अ कॉन्टेंट राइटर लिखना चाहता हूँ और मैं ये भी समझता हूँ कि मैं फ्री में लिख रहा हूँ अगर आपको मेरा लिखने का स्टाइल पसंद ना आए तो ठीक है कोई बात नहीं बट मैं ये प्रूफ कर सकता हूं कि अगर आपने मुझे चांस दिया बाय ओपनिंग पीएमबी तो मैं आपका सैंपल वर्क दिखा के प्रोजेक्ट अवार्ड ले लूंगा फिर आगे मैं कह रहा हूं कि जनाब आई एम लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एंड कैन वर्क मंडे टू फ्राइडे अगेन मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ अपनी पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूँ अपनी अप्रोच की बात कर रहा हूँ अपनी स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ मैं इतना पॉजिटिव दिखा रहा हूं अपना अप्रोच अपनी बिट से कि भाई आप बस काम दें मैं ये नहीं कर रहा मैं मुझे काम दे मैं मर रहा हूं नहीं मैं इक्वल टर्म्स पे आया हूँ और मैं बता रहा हूं कि आई एम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इफ यू वांट टू टेस्ट इट आउट आप कीजिए ना टेस्ट आउट मैं आपको फ्री सैंपल दो पैराग्राफ एज अ कंटेंट राइटर देने के लिए तैयार हूं इस पे मैं विलिंगनेस शो कर रहा हूं आपको पता लग जाएगा कि आपने किस रिसोर्स को हायर करना है और कैसे हायर करना है और उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर क्या खसूसियात हैं उसकी क्या स्ट्रेंथ हैं बट ये सारी बात का किस लिए कर रहे हैं सारी बात इसलिए कर रहे हैं कि एम्प्लॉयर क्या खोलेगा पीएमबी देयर यू आर मैसेज बोर्ड की तो कहानी है उसी के लिए तो सारी जो है वो रिस्पॉन्स को मोडिफाई करते हैं उसी के लिए तो मिन्नत समाजें लेकिन पॉजिटिव रहते हुए करते हैं तो so, ये अप्रोच है एज अ कॉन्टेंट राइटर इनिशियली अगर रिस्पॉन्स ना आए तो जो बिड प्राइस ऊपर अपनी दी हुई है अपने पर आर प्राइस दी हुई है उसको नीचे ले जाइए एंड मुमकिन है आप इफ़ यू वांट टू हैव अ कन्वर्सेशन आई एम अवेलेबल इन स्काइप उसके बाद दे दीजिए कन्वर्सेशन ज़ाहिर ज़रूरी है कंटेंट राइटर को देखने के लिए तो ज़रूरी है ना कि वो कैसा बोलता है कैसा लिखता है तो कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बारह इस बात पे एम्फोसाइज करता रहा इफ यू वांट टू बी अ गुड कंटेंट राइटर इफ यू वांट टू बी अ क्रिएटिव कंटेंट राइटर अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव कीजिए चाहे वो रिटर्न हो चाहे वो स्पोकन uh, इंग्लिश हो फिर जनाब सेकंड लास्ट पहला में मैं बता रहा हूं ये देखिए मेरा पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो क्या होगा आपकी वेबसाइट का लिंक फॉरवर्ड स्लैश पोर्टफोलियो और उसके अंदर आप जो लिंक्स देना चाहते हैं वो दे दीजिए मैंने एक सैंपल लिखा है अगर आपने 10 लोगों के लिए क्रिएटिव राइटिंग की हुई है कॉन्टेंट राइटिंग ली हुई है एज अ ब्लॉगर काम किया हुआ है आप दस का दस पेस्ट कर दीजिए एंड ऑफ कोर्स आई लुक फॉर टू अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और फिर तमाम की तमाम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जैसे स्क्रीन पर देख रहे हो फेसबुक लिंक वेबसाइट एड्रेस ई मेल एड्रेस स्काइप आई डी मैं कोई मौका खोना नहीं चाहता कि एम्प्लॉयर ये कहे कि इसके साथ रा नहीं हो सका अफजल तो यही है बेस्ट तो यही है कि खातीन उजरात रबता वो करे पी एम बी से और वो करते भी पी एम बी से बिकॉज एम्प्लॉयर को भी पता होता है जब वो साइन अप करते हैं जब वो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ते हैं तो एम फोसेस फ्रीलैंस मार्केट प्लेस डालती है कि अपनी कम्युनिकेशन पी एम बी के अंदर ही रखिएगा क्योंकि अगर रात के किसी भी वजह से लड़ाई हो जाए आर्बिट्रेशन में बात चली जाए तो चलो यू कैन पुल दोज मैसेज एज़ अ डिफेंस सो पी एम बी बहुत ज़रूरी होता है बट अगर अगर आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल भी प्रोवाइड करते हैं तो कोई हर्ज नहीं मैं तो करता हूँ और मैं पिछले दस साल से कर रहा हूँ आप भी कीजिए इट रियली हेल्प्स इन अ लॉन्ग वे